हेलोवन इन दिस वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग द फर्स्ट एस ए टॉपिक ऑफ योर सी ए पी एफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम विच वॉज रिस दू पी एस सी एंड द फर्स्ट टॉपिक इज साइबर अटैक्स न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर है एंड आई वुड से दिस ईयर आपका एग्जाम लिटल बिट ट्रिकी था बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल पेपर नहीं था जो कि आप सोच सकते हो बट थोड़ा सा करंट ऑरिएटेड था नो डाउट अबाउट इट बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि शायद आपको उसके लिए प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी तो दिस इज द की दिस इज द की आउटकम 2023 के बाद हमने ये देखा है और 2022 के रिजल्ट के बाद भी हमने ये देखा है कि पेपर टू की इम्पोर्टेंट एट द सेम टाइम पेपर वन की इम्पोर्टेंट दोनों की इम्पोर्टेंस ही रही है इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस भी रही है जहाँ एक भी आप सब्जेक्ट में लैग करते यू आर आउट ऑफ द लिस्ट मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाते हो लोगों की आप देखोगे बहुत ही जब उनकी मार्कशीट रिलीज हुई है देन आई गॉट एन आइडिया कि काफी कंपटीशन बढ़ चुका है पहले जब 300 के अराउंड लिस्ट लगती थी मेरिट लिस्ट अब 345 फॉर जनरल तो कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी नाउ लेट्स डिस्कस साइबर अटैक न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप थ्री वर्ड्स के अंदर आप ये लिख सकते थे थ्री वर्ड्स के अंदर एक्चुअल कैसे आप इसको बना सकते थे दिस वुड बी डिस्कस्ड नाउ सी जब भी हम ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं हमारा पेपर टू तो उसमें हम बता दें कि ऐसे राइटिंग के दौरान जितना भी आप करंट ओरिएंटेड लिखेंगे उतने ज़्यादा यू विल फैच मार्क्स ठीक है उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे कितना भी कंटेम्प्ररी मेनली फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन आते हैं जितना कंटेम्प्ररी इंट्रोडक्शन लिखेंगे उतना बेटर है जितनी कंटेम्प्ररी इवेंट्स उसके साथ डालेंगे वो अच्छा रहेगा मेनली फॉर योर इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर एक की टर्म है पेपर टू का सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है सी एग्जाम का उसके अंदर आप देखोगे एक टर्म मैंशन है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर मेंशन है तो वो आपको देखना होगा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी इतनी वाइड है कि वो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी से पूछ सकता है आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी पूछ सकता है ठीक है वो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं बहुत सारी बहुत इसका होराइजन बहुत वाइड है तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है नाउ सी साइबर अटैक्स न्यू काइंड ऑफ वारफेयर ए न्यू काइंड न्यू काइंड क्या है ये एक की वर्ड है आपको आपको एक इसको ध्यान में रखना है न्यू काइंड ऑफ वारफेयर आपको बताना पड़ेगा कैसे कन्वेंशनल वारफेयर पहले होते थे फिर अब न्यू काइंड ऑफ वारफेयर पे कैसे स्विच कर रहे हैं आपके पास दोनों ऑप्शन है आप तो या तो कोई ग्लोबल इंसिडेंट हो कोई ग्लोबल अटैक हो वो आप मेंशन कर सकते हो और दो कंट्रीज के बीच में कोई अटैक इंटरनेशनल एग्जांपल आप दे सकते हो या फिर इंडियन स्पेसिफिक एग्जांपल आप दोगे सो व्हाट आई दो आई आई स्टार्टेड विद इंडियन स्पेसिफिक एग्जांपल लाइक द एम्स अटैक एंड डेटा ब्रीच इंसिडेंट जो हुए थे एसबीआई का आप बात कर सकते हो बैंकिंग फ्रॉड आप बात कर सकते हो राइट right? सो so इसके साथ ही आप थोड़ा सा इसमें कोर्ट मेंशन करना चाहते हो तो कोर्ट मेंशन कर सकते हो बट मैं ये बोलता हूँ कि कोर्ट कई बार आपको याद नहीं रहते बट हमने कोर्ट बुक भी आपको प्रोवाइड की थी हमने आपको फैक्ट बुक भी प्रोवाइड की थी हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की थी स्टिल आपके पास वो चीज़ें रखी हैं आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ऐसे लिखते वक्त जब तक उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नाउ सी वट आई डिड इन द इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया है न्यू काइंड ऑफ वारफेयर कैसे है ये जैसे इट इज़ नॉट अ जस्ट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बॉम्ब्स एंड मिजाइल्स कंट्रीज आर नाउ यूजिंग साइबर स्पेस टू कैरी आउट अटैक ऑन एनिमी रिसेंटली विजिबल ड्यूरिंग एम्स अटैक एंड डेटा ब्रीच इंसिडेंट तो मैंने अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए साथ में ही मैंने मैंशन कर दिया उन दोनों इंसिडेंट्स को यह मैंशन करना जरूरी है जिससे आपका इंट्रोडक्शन मोर क्रेडिबल लगेगा ठीक है उससे एग्जामर रिलेट कर पाएगा चीज़ों को उसके साथ ही जब आप दूसरी स्टेटमेंट दूसरे पैराग्राफ पे स्विच करते हो तो आपको क्या करना होगा पैराग्राफ लगना चाहिए कुछ स्पेस यहाँ पे आपको छोड़ना चाहिए हमेशा जिससे लग सके कि आप नए पैराग्राफ पर मूव कर रहे हैं तो एग्जामिनर को देखने में समझने में पढ़ने में आसानी होगी जब आप इस तरह का गैप छोड़ोगे कई बार क्या है मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं जिससे क्या होता है वो पता नहीं चल पाता कि नया पैराग्राफ शुरू हो चुका है नया आइडिया डिलीवर होना शुरू हो चुका है तो कई बार ये गलती काफी स्टूडेंट्स करते हैं इस गलती को आपको ठीक करना होगा। मैं इसी स्टेटमेंट को बार बार क्या कर रहा हूँ रीहाइट्रेट कर रहा हूँ रीफ्रेज कर रहा हूँ दूसरे शब्दों के अंदर ही न्यू काइंड ऑफ वारफेयर मैंने लिख दिया न्यू बैटल ग्राउंड न्यू काइंड ऑफ वारफेयर को मैंने लिख दिया न्यू एज वेपन्स तो जितना हो सके जो आपको टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक को आप रीफ्रेज करिए उसके सिनोनिम्स ढूंढिए जिससे ये लगे एग्जामिनर जब उसको रीड करे तो लगे कि जो लिखने वाला है ये ऑफ द ट्रैक नहीं हुआ है ये उसी ट्रैक पे लिख रहा है जैसे कि आपको हिदायत भी दी जाती है आपको गाइडलाइंस दी जाती है जब आप कोई ऐसे लिखते हो उसमें लिखा जाता है यू नीड टू राइट एज क्लोजली एज टू द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के क्लोजली ही आपको लिखना है तो ये सभी ये ट्रिक्स हैं जब आप आपको डाइवर्ट नहीं होना इस हिसाब से तो ये ट्रिक्स का आप यूज़ कर सकते हो दिस कैन बी अ वेरी गुड ट्रिक ट्रिक नंबर वन इज रीफ्रेजिंग ऑफ द सेम की ठीक है और थर्ड पैराग्राफ देखते हैं विद द डिजिटल इंडिया पुश तो मैं ये आपको बोलता हूँ कंटेम्प्रेरी मतलब आपको सिचुएशन को एनालाइज करना कि इंडिया जब डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है डिजिटल इंडिया मिशन जब चल चुका है 2025 तक इंडिया विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस आ, दिस फाइव ट्रलन इकोनमी उसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है हर एक चीज अब आप देखोगे ऑनलाइन होने जा रही है डिजिटल पब्लिक गुड्स हमारे पास हैं जब आप देखोगे आधार यू डिजिटल ट्रांजेक्शन इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं तो आने वाले टाइम में भाई साइबर अटैक्स तो और भी ज़्यादा होने वाले हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना टोटली totally हंड्रेड ये मुश्किल है तो इस हिसाब से मैंने ये पैराग्राफ यहीं पे डिज़ाइन किया कि विद द डिजिटल इंडिया पुश ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर इज मूविंग टू डिजिटल स्पेस सच सचेस रेलवे नेटवर्क स्टॉक मार्केट कम्युनिकेशन ठीक है सभी चीजें ऑनलाइन मूव हो रही हैं आप आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होगी ठीक है मूवीज के अंदर भी ये साइबर इंसिडेंट्स होते हैं वहां पे आपको विजुलाइज करने में रिलेट करने में आसानी रहेगी कि कैसे साइबर अटैक कैरिड आउट होते हैं ठीक है नेक्स्ट इज यहां पे आप देखोगे जब आप नए पैराग्राफ में मूव कर रहे होते हो तो आपको कनेक्टेड कनेक्टिंग वर्ड्स चाहिए जैसे आप आल्सो देरफोर मोर ओवर इस तरह के आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं और कनेक्टिंग लाइन्स चाहिए ठीक है कुछ कनेक्टिंग लाइंस कुछ पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कुछ अब्रब स्टार्ट ना हो इस हिसाब से आपको कनेक्टिंग लाइंस या कनेक्टर देने पड़ते हैं ठीक है नाउ सी इट इज़ नो मोर हिडन दैट इंडिया इंपोर्ट्स मोबाइल नो डाउट हम चाइना से मोबाइल्स का इंपोर्ट करते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करते हैं ठीक है टू बेसिकली फुलफिल्स अवर करंट नीड और उन मोबाइल फोन्स में और उन, उन हार्डवेयर के अंदर आपको पता है कई बार मालवेयर इंस्टॉल्ड होता है पहले ही आप देखोगे हुआई कंट्रोवर्सी आप देखोगे जबकि यूएस ने बैन कर दिया हुआई के जितने भी हार्डवेयर हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं वो वो नहीं यूज़ करेंगे अपनी कंट्री के अंदर इंडिया भी जब अभी फाइव जी का जब टेंडर दे रहा था जब एलोकेट कर रहा था तो उसमें हुआई को पता नहीं वो कॉन्ट्रोवर्सी थी कि हुआई को इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा नहीं करने दिया जाएगा बिकॉज इट्स एन इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आपने देखा होगा काफ़ी चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था ड्यूरिंग दिस गलवान वैली इंसिडेंट और आफ्टर दिस गलवान वैली इंसिडेंट ठीक है इंडिया ने इसके पीछे रीजन भी दिया था नेशनल सिक्योरिटी का ठीक है नाउ सी आ, बेसिकली वी इम्पोर्ट मोबाइल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइना एंड एट द सेम टाइम वी इम्पोर्ट डिफेंस हार्डवेयर मेनली फ्रॉम द रशिया एंड आल्सो फ्रॉम देयर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज फ्रांस यहाँ से भी हम इम्पोर्ट करते हैं तो नो डाउट कुछ ना कुछ आ, आपके दिमाग में स्पेक्टिज कुछ रहेगा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ये एक डाउट रहेगा कि कुछ उस हार्डवेयर के अंदर कुछ ना कुछ इंस्टॉल्ड होगा जिसमें वो बैकडोर एंट्री कर सकेंगे उसमें हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो इंटरफेयर कर सकेंगे ठीक है कम्युनिकेशन नेटवर्क से इंटरफेयर कर सकेंगे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहती है इसीलिए डिफेंस इंडिजनाइजेशन की बात हो रही है ठीक है एट द सेम टाइम जब मैंने इसके अंदर एक और चीज़ मैंशन की है जो कि हम ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल फोन्स और इक्विपमेंट्स फ्रॉम चाइना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड डिफेंस हार्डवेयर विच मेक्स इंडिया वनरेबल टू ग्लोबल एसपीओनेज इंस्पाइंग एटेम्प्स लाइक डी आर डी और इसरो एसपीओनेज केस का आप इनमें मैंशन कर सकते हैं देर आफ्टर काफ़ी लोगों को ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम इसमें कोई डायग्राम uh, कोई फ्लो चार्ट कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इस तरह का ऐसे के अंदर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी आई हैव टॉक्ड विद द टॉपर्स आई हैव टॉक विद द पर्सन जिन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने बताया कि ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आए थे हम फ्लो चार्ट हमने बनाया था डायग्राम भी बनाया था ठीक है तो सारी चीज़ें उन्होंने की है और यू में भी ऐसा नहीं कुछ स्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि एस के अंदर सिर्फ आपको पैराग्राफ के अंदर ही फॉर्म करना है जब आप ऐसे देखोगे सिविल सर्विस में जो लोग ऐसे लिखते हैं 1200 सौ वर्ड्स के अंदर वहाँ पे वो डायग्राम भी बनाते हैं वहाँ पे फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं सभी चीज़ बनाते हैं तो वो भी ऐसे है आपका भी ऐसे है ठीक है यू ही कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आप इस तरह की इनोवेशन कर सकते हैं राइट right? तो ये था हमारी ट्रिक नंबर थ्री इसके साथ ही आप देखोगे जैसे आप कुछ प्रेजेंटेशन करने के लिए इस तरह से बेटर प्रेजेंट करने के लिए आप चीज़ों को लिख सकते हैं अगर मैं इस, 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 इस इन्फॉर्मेशन को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते तो शायद ये इंफॉर्मेशन जो है ये शायद इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती पैराग्राफ में जो की पॉइंट्स होते हैं वो छुप जाते हैं आसानी से नहीं दिखते नाउ सी रिसेंट साइबर अटैक इन इंडिया क्या क्या है आपको पता होगा रनसमवेयर अटैक है कुंडूकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ था आधार डेटाबेस ब्रीच हुआ था बैंकिंग सेट सेक्टर, सेक्टर का डेटा लीक हुआ था और आपने बहुत बार देखा होगा मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोपागेंडा ऑनलाइन चलता है एंटी इंडिया स्टांस और मूवमेंट ऑन ट्विटर आपने देखा होगा और कश्मीर में आपने देखा होगा कि यूथ को मिसगाइड किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया यूज ऑफ सोशल मीडिया तो मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपागेंडा का यूज होता ही है नाउ सी नाउ जब हम तीसरे पेज पे होते हैं तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग टूवर्ड्स क्लोजिंग आप मूव कर रहे होते हैं ऐसे के तो यहाँ पे आपको इस तरह से बिल्ड करना है कि आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ें हमेशा ये की पॉइंट है दिस इज द ट्रिक नंबर फोर थर्ड पेज पे डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रॉब्लम थर्ड पेज पे जब आपको तीन पेज दिए जाते हैं कोई भी ऐसे लिखने के लिए ये इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है तीसरे पेज पर आपको कोई भी नया डायमेंशन नहीं इंट्रोड्यूस करनी है आपको उसको क्लोज करना है कुछ सजेशंस देने हैं कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं वो मैंशन करने हैं ठीक है कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स आपको मेंशन करने हैं कोई कमेटी की रिपोर्ट्स आपको मेंशन करनी है कोई इंडेक्सेस आपको मेंशन करना है कोई कोर्ट से आप एंड कर सकते हो बट डू नॉट ब्रिंग न्यू डायमेंशन इन द थर्ड पेज क्योंकि यहां पे आपको स्पेस कॉन्स्टेंट होगा वर्ड्स कॉन्स्टेंट होगा वो चीजें नहीं करनी आपको नाउ इन द लास्ट वट आई इज इंडिया हेज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव टू एनहांस द डेटा सिक्योरिटी एंड लोअर द रिस्क ऑफ साइबर वॉरफेयर सच ऐज अभी जैसे अगर मैं इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखता इन पांच पॉइंट्स को ठीक है जो कि इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर मैं इनको पैराग्राफ फॉर्म में लिखता शायद अगर मैं यहाँ से इसको लिखना शुरू कर देता नेशनल क्रिटिकल इन्फॉमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सेंटर यहाँ से डिजिटल डेटा प्रोडक्शन बिल के बाद से तो वो इतना ज़्यादा प्रजेंटेबल नहीं होता वो इतना ज़्यादा रीडेबल भी नहीं होता तो आप इसको ये मत समझिए बुलेटिन फॉर्म में है और शायद इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे नहीं ये एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करने का एक तरीका है प्रेजेंटेशन आपकी इससे अच्छी दिखती है तो आप इसको इस फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो जब आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं ठीक है अगर आप इसको यहाँ पर पॉइंट भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो चीज़ें जितनी अच्छी प्रेजेंटेबल होगी उसमें अच्छे ज़्यादा रिवॉर्ड आपको उसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेज हैं नाउसी डिजिटल डेटा प्रोडक्शन बिल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर एन उसके साथ ही आप देखोगे सारी चीज़ें आपने पढ़ी है जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बुक पढ़ते हो चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार आई सर तो उनको आपको पता होगा उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है जब उसके अंदर एक डेटा सिक्योरिटी सॉरी उसमें साइबर सिक्योरिटी का एक चैप्टर है तो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंशन है ये कोई नई चीज आपके लिए भी नहीं है बस वहां पर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते तो आपको एक अच्छे से ढंग से उसको वहाँ पे प्रेजेंट करना है जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ बिल्ड पे बिल्डअप किया एक नैरेटिव कि इंडिया ने एक सेवरल इनिशिएटिव लिए हैं जिससे डेटा सिक्योरिटी एनहांस हो सके और साइबर वारफेयर के अंदर इंडिया की कैपेबिलिटी हो रिटेलिएट करने की ठीक है क्या क्या इंडिया ने किया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 भी है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है प्रोटेक्शन सेंटर है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके साथ ही एक हमारी डेडिकेटेड टीम है कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम अगर कोई साइबर अटैक होता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको डैमेज को मिनिमाइज किया जाए एट द सेम टाइम रिटेलिएट भी किया जाए जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है साइबर अटैक उसके बाद डिफेंस साइबर एजेंसी डेडिकेटेड साइबर एजेंसी बनाई है जो कि इंडियन आर्मी की है उसके अंडर काम कर रही है बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी कैपेबिलिटी को दिखाता है उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क है जैसे मैंने मैंशन किया है अपार्ट फ्रॉम द अब मैं मैजर्स वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन साइबर स्किलिंग दिस इज रियली इंपॉर्टेंट साइबर स्किलिंग ऑफ होम ऑफ साइबर वर्कफोर्स की साइबर स्किलिंग आप और भी की लोगों की कर सकते हो इसमें आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर सकते हो जिससे आ, आप मतलब जो आम लोग हैं साइबर अटैक से प्रभावित ना हो सके आप साइबर क्राइम से लेकिन द क्वेश्चन इज मेनली अबाउट द साइबर वारफेयर तो साइबर वारफेयर्स में आपकी मिलिट्री एंगेज होती है गवर्नमेंट एंगेज होती है इसमें नॉर्मल पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते ठीक है, है तो इस हिसाब से ये साइबर स्किलिंग जो है साइबर वर्कफोर्स की होगी डिफेंस साइबर एजेंसीज की होंगी सी आर टी आई एन की होगी इनकी स्किलिंग के ऊपर हम काम कर सकते हैं एंड द वर्ल्ड हैज़ चेंज अ लॉर्ड सिंस 2013. थाउजेंड थर्टीन यहाँ पर मैंने मैंशन किया है क्योंकि आपको पता है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी दो हज़ार तेरह है हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर सबको रटा हुआ है दो के अंदर आई थी ठीक है उसके साथ ही आपको पता है एक नई कमेटी बनी है अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश पंत तो उनके अंडर एक कमेटी है और उन्होंने एक नई न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक पॉलिसी के ऊपर वे काम कर रहे हैं 2021 से बहुत लंबे टाइम से वो काम कर रहे हैं 2023 में एक्सपेक्टेड है वो आ जाए तो इस हिसाब से मैंने लिखा है देर द न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इज आल्सो लॉन्ग ऑवर ड्यू एक पॉलिसी आनी चाहिए क्योंकि दो के बाद से वो पॉलिसी दो आ, आज तेईस चल रहा है दस साल के गैप में बहुत चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं ठीक है और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा पेपर टू का जो कोर्स है वो रीडिज़ाइन हो चुका है काफ़ी हद तक और जो नया कोर्स है हम आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर लॉन्च कर देंगे कुछ एक चीज़ें जो आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम मेंशन करें प्लीज़ कांटेक्ट इन दिस नंबर उसके अंदर वो इंक्लूड इंक्लूड हो जाएंगी अगर कोई किसी को लगता है कि उसकी प्रिपरेशन अभी वो करना चाह रहा है बट वो एनरोल नहीं करना अभी तक कहीं पर एनरोल नहीं किया है और उसकी प्रिपरेशन भी हेम्पर ना हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हम आपको ऐड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं जब तक कि हमारा ये पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कुछ एक चीज़ें जैसे साइबर पे हमने अब हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं साइबर जब आप वर्ड सर्च करोगे इसके इससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट ऑटोमेटिकली और ऑलरेडी वहाँ पर डाली गई है बिफोर द एग्ज़ाम ये सिर्फ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं हमारे प्रूफ ऑफ वर्क के जो हम जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन रियली इट इट इज़ इज इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन जैसे यहाँ पे आप देखोगे साइबर क्राइम्स इन इंडिया उसके साथ ही हम न्यूज़पेपर की कटिंग्स यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिंग अवर नेटवर्क्स ये ऑलरेडी हमने पहले ही मेंशन किया है ठीक है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी टेरर फाइनेंसिंग उसके साथ ही आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिगार्डिंग द साइबर क्राइम्स तो ये एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आप इसको इंट्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो ये जो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है इट इज़ रियली अ गुड पैराग्राफ विच कैन बी यूज इन द इंट्रोडक्शन तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पहले ही बता दी गई थी जैसे आप देखोगे फीडबैक भी दिया गया था हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन था साइबर सिक्योरिटी अ इवॉल्विंग कंसर्न फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस, डिस्कस कर चुके हैं लोगों ने इस पर आंसर्स भी लिखे हुए हैं उसके साथ ही आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दिस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम क्लास होती है साइबर सिक्योरिटी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ठीक है तो ये दिखाने का आपको एक ही uh, इसके पीछे मकसद था ठीक है कि बताने का जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं इट इज रियली अ गुड डायरेक्शन ओके सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और इसके साथ ही हम नया जो आ, ऐसे टॉपिक है हम जल्दी डिस्कशन करेंगे उसका कल या परसों को उसका डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे सभी ऐसे टॉपिक्स का हम डिस्कशन कर लेंगे सो थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल